गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। ये है मेरा गांव मेरा देश सीरीज उत्तर प्रदेश का एपिसोड नंबर 2। सुबह के 5:30 बजे यहाँ सुबह शुरू हो जाती है, लोग पूजा पाठ करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने कामों पर। तो चलिए देखिए कैसी है दिनचर्या एक किसान की भारत के गांव में। तो ये रोज सवेरे सवेरे करना पड़ता है, मतलब इनका खाने का टाइम है भाई, खाने का टाइम है। हाँ, तो सवेरे आओ, पहले गोबर उठाओ, फिर दूध निकालो, फिर खाने को दे दो। नहीं, सबसे पहले ना बांधो बाहर। अच्छा, अंदर बांधे हुए थे ठंड का मौसम है तो। ना अंदर बांधे हुए हैं, बाहर बांधो। हाँ, उनके ऊपर कपड़ा फेरो। हाँ, कपड़ा फेरने के बाद फिर इनका दूध निकाल लो। हाँ, दूध निकालने के बाद फिर इनका खाने का, क्योंकि भूख लगती है रात को, रात को फिर निकल। और फिर इनका गोबर साफ करो, झाड़ू लगाओ। हाँ, उसके बाद इनका काम निश्चित। फिर इनको 10 बजे करीब दाना डालेगा, फिर ये 1 बजे तक निश्चिंत। अच्छा, तो 10 बजे दाना डालना क्या मतलब होता है? दाने में क्या डालते हैं? दाना जो गेहूँ है, चावल है। तो दाना क्या अलग से डालना होता है या इसी जो खा रहे हैं उसी में मिक्स करना होता है? मिक्स करना होता है। अच्छा अच्छा, अभी डालोगे 10 बजे डालोगे? एक कप डालेंगे। अच्छा, एक कप होगा। अब ये खड़े हैं। हाँ, खाने रहे, क्योंकि ना पता है कि अभी कुछ मिक्सिंग नहीं हुआ इसमें। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही वो मिक्सिंग, ये देखो देख रही है मैं तो, अंदर से लाएगा। अच्छा, जैसे ही मैंने वो मिक्स करूंगा ना, खाना शुरू कर देंगे। ओके, तभी वो ढूंढ रहा है नाक मार मार के। हाँ, पता नहीं क्या है अंदर छिपा हुआ। इसमें मिल गया दाना, मिल चुका। और फिर जो है ये क्या करेंगे, 10 बजे करीब पानी पियेंगे। फिर ये 2 बजे करीब खा के उसको पानी पियेंगे। और पानी पीने के बाद फिर एक बार ये देखेंगे कि हमारा मालिक दाना लाएगा, आराम छक के बैठ जाएंगे आराम। अच्छा, फिर एक बजे तक बैठे रहेंगे। फिर 1 बजे तक ही आराम फरमाओगे अपना। फिर 1 बजे इनका फिर घास होगा, दोपहर के, दोपहर का खाना जैसा होता है। हाँ, 1 बजे खाना, 1 बजे इनका ये हो गया 1:30 बजे। हाँ, फिर इनको 4 बजे दाना डालेगा उसी में। हाँ, इस तरह चाय नाश्ता होता है बिल्कुल वो, फिर खा के बैठ शाम को, मतलब ये शाम तक खा के, और ये 4 बजे या 5 बजे उससे मुँह फेर लेंगे। फिर 5 बजे आगे ना पता, दूध का टाइम हो गया। अच्छा, फिर दूध निकाल लो। और फिर क्योंकि अंधेरा हो जाए 5:30 बजे तक, 5:30 बजे के लिए अंदर कर दो। अच्छा, वो पत्ती वत्ती सही करके अंदर कर दो बस, के लिए आराम से उस पर थोड़ी देर बाद। तो इनकी रात हो जाती है 5:30 बजे 6 बजे, क्योंकि 6 बजे करीब 6:30 बजे बैठ जाएंगे उस पर। बैठ कर फिर ये सुबह सुबह फिर 5:30 बजे तक, सुबह फिर 5 बजे उठे, 12 घंटे की पूरी रात हो गई। इस तरह इनका पूरा रूटीन ही है, पूरा रूटीन है, सही है। और इनके साथ साथ में हमारा भी रूटीन है। हाँ, हमें करना पड़ेगा, 3 बार खाना देना होता है। चलिए आपको गांव में घेर की सैर कराते हैं। ये देखिए, ये एक एंट्रेंस गेट है और इस तरह का स्ट्रक्चर इनफेक्ट हमारे मेरे खुद के गांव में भी जो घर हम देखते हैं वो काफी हद तक ऐसे ही सिस्टम। ये है कि एक बड़ा दलान या वरांडा इस तरह से बनाया जाता था जिसको ये, और साथ में कमरे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के कमरे एक लाइन में हुआ करते थे। तो अंदर आप रात को जाके सो जाइए, सुबह उठिए, बाहर बैठिए। तो ये बाहर का जो जगह है, ये इस तरह का जो स्पेस है, ये यूज होता है सिटिंग स्पेस के लिए। बैठक यहाँ लगती है, गाँव के बड़े बुजुर्ग आके यहाँ बैठते हैं, हुक्का पीते हैं। और ये खाट ट्रेडिशनल हमारी इंडियन खाट है। तो जितने भी गांव में मैंने आज तक घर देखे हैं वो सब इसी तरह के स्ट्रक्चर पर बने हैं। बाहर खुली जगह है जिसमें ये बैलगाड़ी या ट्रैक्टर और झूठा बुग्गी हम जिसे कहते हैं वो यहाँ पे खड़ा हुआ करते थे। इस तरफ एक तरफ जहाँ पे सब जगह पे पशु बांध दिए जाते हैं, और ये जगह इनडोर स्पेस के लिए यूज होता है। और ये सेमी आउटडोर की तरह है, अंदर कमरे बन गए और वहाँ पे आप सामान रखो, बैठो। और ये सिटिंग स्पेस, मेन हैपनिंग स्पॉट किसी भी जगह पर, किसी भी घेर में ये हुआ करता है। तो गांव में 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ बनाई जाती हैं, एक होता है घर और दूसरा होता है घेर। घर जहाँ पर्सनल लाइफ फैमिली के लिए है, वहीं घेर पब्लिक लाइफ या सोशल एक्टिविटीज़ के लिए यूज होता है। नॉर्मली घर थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन घेर हमेशा बड़े रहेंगे। तो अभी मैं जिन जिन गांव में विजिट करने वाला हूँ वहाँ आपको सेम तरह का एक आर्किटेक्चर या सेम तरह का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा।
नॉर्मली ज़्यादातर बिल्डिंग गांव में सिंगल स्टोरी होती हैं। थोड़ा रोशनी होगी तो मैं आपको इनकी छत दिखाऊंगा। ये वो छत है जो कड़ी कड़ी मतलब लकड़ी की बनी है, जिसमें चीड़ या साल की लकड़ी का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत लॉन्ग लाइफ होती है। तो ये बिल्डिंग जो बनाई गई थी 1960s में अभी तक वैसी ही है। और ये बाहर नाम लिखे गए हैं, देखिए चौधरी काली सिंह स्वतंत्रता सेनानी उस वक्त का लिखा है, यहाँ पे चौधरी रंजीत सिंह लिखा है, ये चौधरी छोटे लाल है। तो हमारे बुजुर्गों के नाम इस तरह से यहाँ लिखे जाते हैं। देखिए मैं 60s की बात कर रहा था तो यहाँ आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है 1966 में ये बिल्डिंग बनी थी और तब से आज तक बिना किसी ऑल्ट्रेशन और चेंज के ऐसे ही खड़ी है। ये आपका एनिमल्स के लिए, आपके पशुओं के लिए जगह। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे हैं गांव के घर। सबसे बड़ी बात है चिड़ियाओं की चहचहाट शुरू हो जाती है। अरे हायर, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। चिड़ियाओं की चहचहाट जो है ना हाँ। देखो देखो कितने पक्षी रहते हैं। ये मान लो आप कि सुबह 5 बजे ये हमें जगा देते हैं। नमस्ते जी। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक हो? हाँ जी। आइए देखते हैं कि किसान अपने खेतों से पौधों से कितना प्यार करता है। अच्छा, इसकी आप बात कर रहे हैं? ये फूल है इसका, ये हाँ ओके। तो इसको आप रात की रानी जो आप बोल रहे थे, ये रात की रानी, इसे परिजाति बोलते हैं और हार श्रृंगार भी बोलते हैं। ओके, हार श्रृंगार गुलाब, ये तो गुलाब है, इसका गुलकंद खाया जाता है। ओके, ये हाँ, इसको पत्थर चटा बोलते हैं। हाँ पत्थर चटा बोलते हैं, सच पथरी हो किसी के अंदर, इसके पत्ते खाओ 5-7 दिन, कैसी पथरी हो गल के खत्म हो जाती है अंदर ही अंदर पत्थरी हो, उसको गला के ये, और इस पर फूल बहुत बड़ा प्यार आता है। इतना बड़ा फूल आता है, इतना छोटा फूल आता है, छोटी अच्छा। छोटी कली सी होती है और पूरा गुच्छा बन जाता है उसका। ओके, और इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, और वो पूरे 1 महीने तक खिलता है ये बेचारा। ये चौलाई चौलाई वाला, चौलाई वाला बोलते हैं इसको। ऊपर देखो कितना चौड़ा कितना बड़ा आ रखा फूल, ये इतना बड़ा फूल है। ऊपर से अगर हमने पोज लिया था ना इसका, इतना बड़ा फूल आया है। मैं इसकी चाय पीता हूँ, इसलिए ना ये जो बर्ड्स हैं ये सारे, हाँ ये जो बर्ड्स हैं ना इसके, ये सब फूल आता है देखो इसके ऊपर। ये फूल है, ये जो है आपको बाय, आपको क्या बोलते हैं उसको, जो बाय हड्डियों के अंदर आ जाती है, हाँ गठिया बाय, गठिया बाय आ जाती है, इसके पत्ते पीने शुरू कर दो चाय के साथ। ये यहाँ ज़्यादा नहीं है, ये वाला पत्ता, ये 5 पत्ते डालो, इसमें शुगर नहीं डालनी है आपको, हाँ उबाल के पी जाओ। हाँ 2 कप पानी के रखो, 5 पत्ते डाल दो, 1 कप हो जाए उसको उतार लो और बस चुस्की ले लेके पियो, बड़ा प्यारा लगता है। अगर मान लो अच्छा नहीं लगता थोड़ा शुगर डाल दो उसमें, चीनी के 2 दाने डाल सकते हो उसमें, तुलसा के 2 पत्ते और डाल दो इसमें, आपको इतना टेस्ट लगेगा ये बहुत। और आपकी ना ये धीरे धीरे, मेरे जो है इनमें ना ये हड्डियाँ ये दी हैं, यहाँ ये जोड़ थे, इतना दर्द होने लगा था इनमें, इतना दर्द होने लगा था कि ये ऐसे नहीं मुड़ने शुरू हो गए थे, मतलब दिक्कत आनी शुरू हो गई थी प्रॉब्लम। तो मैंने लाया इसको लगाया और इसको पत्ते किया, मुझे है ही नहीं कुछ। अच्छा ठीक हो गया। ये रात की रानी की आप बात कर रहे हैं ना, इसी के पत्तों की, परिजात, इसको परिजात बोलते हैं, हार श्रृंगारी बोलते हैं। ये रात की रानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुशबू इसकी रात को फैलती है, रात को फैलती है, पूरे घर में महक फैल जाएगी इसकी, रात को खिलता है ये वाइट खुशबू। तो अभी भी अच्छी आ रही है ना, सब बाग उगा हुआ, सारी चीजें सब चीजें एक ही जगह पे उग गई, ये है छोटा सा गार्डन नहीं बन गया। ये देखो इसका पत्ता दिखाओ, ये जो है इसको आप चाय में डालो, इतनी प्यारी प्यारी फुहार आएगी ना आपकी, बहुत ज्यादा। ये है क्या? देखो खा के देखो आप इसको, एक पत्ता खा के देखो, आपको महक आनी शुरू हो जाएगी, मरुए जैसा है ना, मरवा लगा, मरवा वो खड़ा, हाँ उसकी इसकी खुशबू भी वैसी ही है, इसकी महक भी वैसी ही है, जैसी वो होती है ना पिपरमेंट
ये छुई मुई है, क्या खुशबू आ रही है, है ना, मजा आ गया। मुझे तो नहीं लगता कि जगह की जरूरत होती है चीजें उगाने के लिए, इतना कुछ जब इतनी सी जगह में आपने उगा रखा तो बढ़िया। कैसी देखिए कैसी होती है गांव की रसोई, एक छोटा किचन सेटअप है किसी भी विलेज लाइफ का। जितने बर्तन हैं यहाँ आप धो सकते हैं उनको, ये इसे पीढ़ा कहा जाता है, ये पीढ़ा है छोटे खाट जैसा, आप इस पर बैठो। और ये है हेरा, बाद में जो राख बचेगी इसे आप इसमें डाल के छोड़ दीजिए और दूध वगैरह गर्म होता रहेगा। और ये हमारा ट्रेडिशनल चूल्हा। तो रोटी आप अभी भी चूल्हे पे ही बनाते हो? नहीं, वो तो गैस रखी, पानी पूरी गर्म करो। अच्छा, आजकल बस पानी के लिए चूल्हा यूज हो रहा है। पानी भी हो जाए, सब्जी वगैरह, मेन तो रोटियां इसी के अंदर बनती हैं। रोटी यहीं पे बनती है अभी? रोटी हाँ में। अच्छा, सबसे पहले पानी चाहिए। हाँ, नहाने धोने के लिए। हाँ, तो पानी गर्म हो जाए। अब आप गुस्से ही कहते हैं इसको? हाँ, गुस्सा। हाँ, हरियाणा में गए तो वहाँ गोहा कहना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या उपले? हरियाणा में गोहा कहते हैं इसको, हम गुस्से बोलते हैं। हाँ, हिंदी भाषा में उपले बोल लेते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है रात की रानी के पत्तों का सूप। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहाँ पर मैं अपने पुश्तैनी गांव और इस गांव की सैर कराऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।